सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्नोलॉजी आइडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्नोलॉजी आइडिया। अगर आपने अब तक हमारे YouTube के टेक्नोलॉजी आइडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप किसी भी ट्रेन का रनिंग स्टेटस कैसे देख सकते हैं। किसी भी ट्रेन को आप यहां पे लाइव देख सकते हैं और कौन सी ट्रेन कहां पर है उसका सारा डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं। कौन से ट्रेन कहां किस स्टेशन पे है और कहां से चली है और कितने बजे अगले स्टेशन आएगी, तो ये सारा डिटेल्स दोस्तों आप एक मोबाइल ऐप के ज़रिए देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि इस लाइव ट्रेन स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है NTES। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे NTES यहाँ देख सकते हैं, NTES पे हमें क्लिक करना है और इस तरह का जो है आपके पास एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। आप यहाँ पे वो सारे ट्रेन का स्टेटस देख सकते हैं जिसका आप देखना चाहते हैं कि वो ट्रेन कहाँ है और कहाँ से चलने वाली है और कितने देर में वहाँ से आएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं पहले से इसे इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो यहाँ मैं डायरेक्ट इसे ओपन कर लेता हूँ। आप जो है वहाँ से भी आप प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, इस ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस है। मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ किसी ट्रेन का, तो यहाँ पे स्पॉट योर ट्रेन, आप यहाँ पे ट्रेन नंबर भी डाल सकते हैं। तो आप, मैं यहाँ पे ट्रेन नंबर, चलिए मैं कोई ट्रेन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ देखिए, मैं ट्रेन नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ। मैं यहाँ देख लेता हूँ कि ये बरौनी कितने बजे आएगी। चलिए मैं यहाँ पे बरौनी को सर्च कर लेता हूँ। ये सारा स्टेशन का लिस्ट है जहाँ जहाँ पर यह ट्रेन रुकेगी। तो यहाँ आपको सारा जो स्टेशन का लिस्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बरौनी जो है फ़िलहाल सर्च कर लेता हूँ। यहाँ बरौनी जंक्शन आप देख सकते हैं, BJU, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं आज का डेट देख लेता हूँ कि ये ट्रेन यहाँ पर कब आएगी। देख सकते हैं यहाँ बरौनी जो है अभी यह ट्रेन नहीं आई है। ये अभी नीचे में देख सकते हैं, डिपार्टेड फ्रॉम तेघरा एट 21 फरवरी 8 किलोमीटर टू अराइव बरौनी जंक्शन, यानी कि बरौनी अगला स्टेशन जो है बरौनी पहुंचने वाली है। तो यहाँ पे आप ट्रेन नंबर डाल के भी जो है यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं कि कौन से स्टेशन कब आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपको, अगर ये पता नहीं है कि कौन सा ट्रेन, हम मान लीजिए हमें कहीं जाना है और आपको पता नहीं है कि कौन सा ट्रेन कब है और कितना ट्रेन है यहाँ से जाने में, मान लीजिए आपको 1 घंटा लेट लग रहा है यहाँ से जाने में, तो आप उस ट्रेन का स्टेटस देख सकते हैं कि इसके बाद कोई और ट्रेन है। तो यहाँ पे लाइव स्टेशन पर आप क्लिक करके इस ट्रेन को, मान लीजिए यहाँ पे मैं जाऊँगा कटिहार जंक्शन है, यहाँ पे कटिहार जंक्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे गोइंग, मैं कहाँ जाऊँगा, कटिहार से खगड़िया, तो मैं यहाँ के खगड़िया जंक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। 2 घंटा का मैं स्टेटस देखना चाहता हूँ, 2 घंटे के अंदर में कितना ट्रेन है। और तो यहाँ पे मैं गेट ट्रेन पर, यहाँ पे 2 घंटे के अंदर कोई ट्रेन नहीं है। आप चाहते हैं अब 4 घंटे के अंदर में मैं देखता हूँ कौन सा ट्रेन है, तो गेट ट्रेन पर मैं क्लिक करता हूँ। 4 घंटे के अंदर में एक ट्रेन है जो कि 3 बजे है, तो वो जो है कटिहार जंक्शन, ये एक एक्सप्रेस है, कटिहार बरौनी एक्सप्रेस, और ट्रेन नंबर है 28182। मैं यहाँ देख लेता हूँ कि नौगछिया ये कितने बजे आएगी, नौगछिया में ये फ़िलहाल कटिहार कितने बजे आएगी। मैं कटिहार का देख रहा था, तो कटिहार कितने बजे आएगी, सो स्टेटस पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
आप देख सकते हैं अभी कटिहार से नहीं खुलेगी, नहीं खुली है क्योंकि ये ट्रेन कटिहार से ही चलती है। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रेन का लाइव स्टेटस जान सकते हैं कि कौन से ट्रेन कितने बजे है दोस्तों। तो इस यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप इस तरह से किसी भी ट्रेन का लाइव स्टेटस जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम ऐसे ही मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।